अस्सलाम वालेकुम व्हाट आर द स्टेम सेल्स और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये हमारे लिए नई ज़िंदगी के बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पर रोल प्ले करते हैं तो स्टेम सेल्स बॉडी के ऐसे सेल्स होते हैं जो डिफरेंशिएशन के बाद या स्पेशलाइजेशन के बाद हमारी बॉडी के कोई से भी सेल बना पाते हैं जैसे इंटेस्टाइनल सेल में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं लीवर सेल्स कार्डियक सेल्स नर्व सेल्स ब्लड सेल्स मसल सेल्स एटसेट्रा और ये स्टेम सेल्स हैं वो इसेंशियल होते हैं लाइफ और ग्रोथ के लिए क्योंकि यही हमारे टिश्यूज को रिपेयर करते हैं और डेड सेल्स को रिप्लेस करते हैं इन सेल्स को हम फीचरलेस सेल्स भी कह लेते हैं क्योंकि ये किसी भी स्पेसिफिक फीचर के लिए स्पेसिफिक फंक्शन के लिए नहीं होते तो इनमें डिफ्रेंशियेशन होती है और डिफ्रेंशियशन का प्रोसेस जो है वो उन इन साइड और आउटसाइड सिग्नल्स की वजह से हो सकता है किस इंटरनल सिग्नल्स दैट मे बी फ्रॉम द डी एन ए जिसमें हमारी सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है वो इंटरनल सिग्नल देता है कि कौन से सेल्स हैं वो स्पेशलाइज होकर क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे जबकि कुछ एक्सटर्नल सिग्नल्स जो हैं और एक्सटर्नल सिग्नल्स जो हैं दिज मे बी द केमिकल्स फ्रॉम द नियर बाई सेल्स बज दफ़ा हमारे सेल्स जो हैं साथ वाले सेल्स के केमिकल्स के जेर असर भी अपने आप को स्पेशलाइज कर लेते हैं कि उन्होंने क्या बनना है स्टेम सेल्स की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इनकी प्रोलिफ्रेशन प्रोलिफ्रेशन डिवाइड करते रहते हैं माइटोसिस इनमें होता है जिसके नतीजे में नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस कर पाते हैं ये टाइप्स के लिहाज से स्टेम सेल्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं दे मे बी द मल्टीपोटेंट सेल्स और प्लूरीपोटेंट सेल्स मल्टीपोटेंट ऐसे सेल्स होते हैं जो प्रोड्यूस कर सकते हैं नंबर ऑफ न्यू सेल्स और ये अडल्ट सेम्स स्टेम सेल्स होते हैं जैसा कि हमारा बोन मैरो है और बोन मैरो जो है उसमें काफी सारे सेल्स बन सकते हैं लेकिन वो सारे हमें पता है बनते हैं ब्लड के डिफरेंट सेल्स और उनके प्रोडक्ट्स जबकि प्लोरी ऐसे स्टेम सेल्स हैं जो कि डेवलपिंग एम्ब्रिय में होते हैं और यह हमारी बॉडी में जो राउंड अबाउट टू टेन डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं उनमें से कोई से भी सेल बना पाते हैं तो मल्टीपोटेंट और प्लोरीपोटेंट में डिफरेंस है कि मल्टीपोटेंट वो डिवाइड करके सेल तो बना पाते हैं मुख्तलिफ तरह के स्पेशलाइज्ड लेकिन थोड़ी तादाद में जबकि प्लोरीपोटेंट असल में स्टेम सेल होते हैं जिनसे हम फिर हमारी बॉडी का कोई सा भी सेल जनरेट करवा पाते हैं क्लोनिंग ऑफ सेल्स के थ्रू भी हम अपने डिफ्रेंशिएटेड सेल्स को जिन्हें हम प्रोग्राम सेल्स कहते हैं उनको इस काबिल बना लेते हैं कि वो अपना ओरिजिनल फंक्शन जो है उसे फॉरगेट कर दें इस प्रोसेस को हम कहते हैं डी डिफ्रेंशिएशन कि उनमें जो डिफ्रेंसियन हुई है जो स्पेशलाइजेशन है फॉर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन वो खत्म होकर उन्हें हम बना लेते हैं प्लूरीपोटेंट तो ऐसे सेल्स क्या लाते हैं इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स और इन्हें फिर हम दोबारा से डिफ्रेंशिएट करवा के अपने स्पेसिफिक टिश्यूज और ऑर्गन्स डेवलप कर लेते हैं जैसे हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया कि हमारा एक डोनर इंडिविजुअल है हम इससे इंडिविजुअल एडल्ट सेल्स जो हैं वो लेते हैं बायोप्सी के थ्रू इनकी रीप्रोग्रामिंग करते हैं इनको कन्वर्ट कर लेते हैं इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स में अब इन इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं और डिफ्रेंशिएशन के बाद इनको ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं उसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इसका फायदा यह होता है कि चूंकि उसी बॉडी से हमने सेल लिए हैं जिस वजह से एंटीजिन्स जो हैं वो सेम रहती हैं और कोई इम्यून रिस्पॉन्स का चांस नहीं रहता कि उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ नहीं बनती कि अगर हम ये स्टेम सेल्स लें किसी और एम्ब्रियो से और फिर उनको ट्रांसप्लांट करें अपनी बॉडी में या इस डोनर की बॉडी में तो यकीन उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बन सकती हैं समटाइम्स हम जीन कुरेक्शन करवा लेते हैं कि अगर हमारे सेल्स में कोई प्रॉब्लम है उसमें जीन क्रेक्शन के बाद डिफ्रेंसिएशन फिर ट्रांसप्लांट कर लेते हैं और समटाइम्स हम डिजीज़ इफेक्टेड सेल टाइप्स जो हैं उनकी स्क्रीनिंग कर लेते हैं ताकि डिजीज़ मॉडल और ड्रग डिस्कवरी की जा सके कि स्पेसिफिक ड्रग इन सेल पर क्या इफ़ेक्ट करती हैं और अगर इफेक्ट करती हैं और वो पॉजिटिव इफेक्ट हैं हमारे लिए तो हम उन ड्रग्स को यूज़ करके किस तरह से इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं तो इस तरह से स्टेम सेल्स जो हैं वो हमारे लिए रिसर्च का एक इंपॉर्टेंट टूल हैं ना सिर्फ वो हमारी बॉडी में डिफ्रेंसीशन और स्पेशलाइजेशन करके आफ्टर द प्रोलीफ्रेशन हमारे लिए स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं हमें ये सलाहियत देते हैं कि हमारे टिश्यूज़ जो थोड़े बहुत डैमेज हो जाते हैं उन्हें दोबारा से रीजनरेट किया जा सके बल्कि ये इंपॉर्टेंट रिसर्च टूल भी हैं हमारे लिए